Is doing suits. గౌరవ శాసనసభ్యులు నూతనంగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు రఘునందనరావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నౌ ద డిస్కషన్ ఆన్ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్. జనాబ్ కౌసర్ మొయినుద్దీన్ సాబ్. स्पीकर साहब, पूरे पूरे डिमांड्स मिलकर बात करिए. स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए जो 2021 और 22 का जो बजट हुआ और जिसके पर आज डिमांड्स पर आपने मुझको मौका दिया, मैं आपके जरिए जो आज के डिमांड्स है हाउसिंग एससी एसटी बीसी और बीसी माइनॉरिटी वेलफेयर वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर रेवेन्यू एक्साइज कमर्शियल टैक्स ट्रांसपोर्ट होम अफेयर्स एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री सिविल सप्लाई स्पीकर साहब ये हाउसिंग का मामला है. मुझे याद है कि कमजोर तबकात की रिहाइश के लिए हुकूमत ने 2015 में 2BHK हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था. 2024 तक दो फेस में रियासत के 572 लाख गरीब खानदानों को पना देने का निशाना था. अक्टूबर 2015 में फर्स्ट फेस में रियासत के 33 जिलों में तकरीबन 272 लाख यूनिट्स को बनाए जाने की कीमत 22,000 करोड़ है. हैदराबाद के 111 मुकामात पर जिसकी लागत 9,714 करोड़ रुपए की कीमत से तामीर किया जा रहा है. केटीआर साहब ने अगस्त 2020 में ऐलान किया था कि दिसंबर 2020 तक 25,000 मकानात को मुकम्मल करेंगे. गरीब आवाम को हवाले करने का ऐलान किया था. मैं हाउसिंग मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि 2BHK मकाना जो कंप्लीट हो चुके जे जेरे तामीर है, जो डिटेल हाउस को बताए. सोशल वेलफेयर स्पीकर साहब, सोशल शेड्यूल कास्ट को जो ABCD कैटेगरी में नवंबर 2014 में हाउस रेजोल्यूशन पास किया गया. पिछले 7 साल से मरकजी हुकूमत ने इस फैसले को मद्देनजर रखा हुआ है. मैं आपके जरिए मालूम करना चाहता हूं. ट्रिबल वेलफेयर, मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जो एससी एंड एसटी बैकलॉग जो पोस्ट के लिए एक खसूसी नोटिफिकेशन निकालकर जो पोस्ट को खाली है उसको फिल करें. बीसी वेलफेयर, हालिया में बीसी कमीशन का चेयरमैन और मेंबर्स का टर्म खत्म हो चुका है और न्यू अपॉइंट अब तक नहीं किया गया है. स्पीकर साहब, कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक जो हजारों एप्लीकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है पिछले 1.5 साल से जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है और उन एप्लीकेशंस के लिए जो गरीब आवाम जो बच्चियों के वालिद और वालदेन वो शख्स के इंतज़ार में हैं. मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन शख्स को फंड रिलीज कर शादी मुबारक हो या कल्याणा लक्ष्मी के फंड को रिलीज कर जल्द से जल्द बहाल करें.